होशंगाबाद रोड स्थित बीजेपी के मीडिया सेंटर में दीपक विजयवर्गीय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी घोषणा और बातों का मध्य प्रदेश की जनता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और इसीलिए वो 6 महीने से कोशिश तो केवल इतनी कर रहे थे कि नाम ही बदल दें। कांग्रेस के मित्रों को लगा कि शायद घोषणा पत्र की बजाय हम वचन पत्र कह देंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी शायद कुछ ज्यादा हो जाए, क्योंकि अपने शासन के 10 चुनावों में जो घोषणा पत्र 10 बार कांग्रेस के नेताओं ने रखा उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। आज जो कांग्रेस के मित्रों ने कथित वचन पत्र के नाम पर बातें कही हैं, उन 973 बिंदुओं में से करीब 750 बिंदु 75% से ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार की मौजूदा योजनाएं और नीतियों की नकल भर हैं। उनकी खुद की दृष्टि का एक भी बात नहीं है, और दूसरी बात, जिन नीतिगत बातों का जिक्र कर रहे हैं वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरा पर्सन नितिन मालवीय के साथ राम पवार की रिपोर्ट।